महासमुंद जिले के पिथौरा खंड चिकित्सा अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा के संयुक्त टीम के द्वारा दो झोलाछाप डॉक्टरों पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। विगत कई वर्षों से अवैध क्लिनिक संचालित कर रहे चंद्रहासिनी दवाखाना संचालक सुशील कुमार प्रधान और राय क्लिनिक संचालक रणजीत राय के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों बिना लाइसेंस के ग्रामीणों का इलाज करते थे। बता दें, महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगे के निर्देश में लगातार जिले भर में झोलाछाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाया जा रहा है। लगातार हो रही कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में बीएमओ ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टरों पर निरंतर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी राजस्व के टीम के साथ अनुभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार पिथौरा और बीएमओ पिथौरा तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से झोलाछाप कार्रवाई की गई, जिसमें सांकरा में परसवानी रोड में चंद्रहासिनी दवाखाना और राय क्लिनिक दोनों में छापामार कार्रवाई कर क्लिनिक को बंद कर दी गई है आगामी आदेश तक। कार्रवाई चालू है अभी वर्तमान में। एक क्लिनिक को हम और जांच किए थे PCPNDT एक्ट के तहत और गए थे अस्पताल में जांच में। ये अब दो झोलाछाप के ऊपर फिर अब कार्रवाई चालू है, तो वर्तमान में अभी इसके ऊपर नियमित रूप से कार्रवाइयाँ अब चालू हैं। कुछ दिनों में समस्त झोलाछाप को